तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज जिस गेम को हम लोग खेलने वाले हैं उसमें हमारा ब्रेन आईक्यू टेस्ट होने वाला है। नॉर्मल इंसान में ब्रेन आईक्यू होता है 80 या 90, बट कुछ प्रीमियम क्वालिटी के लोग होते हैं जिनमें 150 तक भी आईक्यू पाया जाता है। और आज वही हम लोग हमारा ब्रेन आईक्यू टेस्ट करेंगे। वैसे जिस गेम को हम लोग खेल रहे हैं ना उसके प्ले स्टोर रिव्यू में किसी ने लिखा था, अगर इस गेम के लेवल को कोई कंप्लीट कर सकता है सभी के सभी, तो वो IIT भी कंप्लीट कर सकता है। और मे बी ये रिव्यू लेजिट भी हो सकता है, क्या पता मैं सभी इस गेम के लेवल को कंप्लीट कर लूं और बाद में IIT में एडमिशन ले लूं। आप लोग भी अपना ब्रेन आईक्यू टेस्ट कर सकते हो मेरे साथ और जाते हैं सीधा हम लोग गेम में। तो अभी के लिए मैं लेवल 50 में आ चुका हूं, इसके पहले वाले सारे लेवल मैं कंप्लीट कर चुका हूं। देखते हैं क्या होता है लेवल 50। बर्न एवरीथिंग, हमें सभी चीजों को जला देना है। आई थिंक ये वाली जो चीज है ना इसे जला दिया, देखा कंप्लीट किया लेवल सब तो जला दिया, ये भी जलाना है क्या इधर? देखा बर्न एवरीथिंग। अच्छा मैं समझा क्या है, अच्छा हो गया। मैं बोला क्यों नहीं हो रहा है, बाद में हो गया, इतना कोई बड़ा डेंजर लेवल नहीं था। 50 का लेवल हमने कंप्लीट कर चुका है, लेवल 51, लेट्स गो। इसमें क्या है, जेक डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम बट ही हैज टू पास। जेक ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है बट उसको एग्जाम में पास होना है, कैसे होगा? दिमाग लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। आई थिंक इसमें कॉपी करेगा इसकी, क्या करेगा जेक पास होने के लिए? भाई ये थोड़ा मुश्किल लेवल है सच्ची में। ये लड़की के साथ टीम अप करेगा मे बी। भाई सोचो यार, जेक क्या कर सकता है ऐसा कि वो एग्जाम में कंप्लीट कर ले। ओ समझ, मैंने ऐसे उसका चेहरा ऐसे करके ऐसे ड्रैग कर दिया और हो गया। ये लेवल अच्छा था, लेवल 52। विच बिल्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कौन सा है इनमें? इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसे कैसे पता लगेगा? कुछ तो होना। अच्छा हम लोग भूकंप लाते हैं, रुको मेरे पास एक आइडिया है, ऐसे हो जाएगा। हाँ ये वाला है, देखा मेरे को पता था ये वाला, तो मैं इसके पहले वाले 20 या 21 लेवल में ऐसा ही कुछ आया था, तो आइडिया है मेरे को ये वाला, मतलब शेक करना है स्क्रीन को और हमें पता लग जाता है। वी नीड 9 एप्पल। अभी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9 एप्पल कहाँ से लाए? ओके एक मिनट, ये 9 नहीं लग रहा है मेरे को ना, क्यू जैसा लग रहा है कुछ, तो इसमें डालते हैं ये लो। अच्छा ये कुछ तो ऐसे करना रहेगा, क्यों बनाना है क्या इसे? 9 एप्पल कैसे करेगा मैं इसका यार, ये थोड़ा हार्ड है। हाँ ये एक मिनट, 6 ही है ना? अच्छा ये देख, ओ भाई वो क्यू को मैंने टच किया और हो गया। ये बहुत बेकार, डेवलपर का दिमाग बहुत बेकार है। पिक द रेड कलर, इसमें मैं रेड कलर पिक करना है और ये लो किया ना पिक। ओ अच्छा गलत कैसे हो रहा है, पिक द येलो। अच्छा ये लो, ये वाला पीला कलर है, पिक रेड येलो। ये इससे कैसे हो गया, पिक द रेड कलर येलो पीला कलर। आई थिंक इसमें ना पिक द रेड, आई थिंक ये वाला ही होगा। हाँ पहले नहीं हुआ था तो मैंने ऐसे ही रेड पे ही क्लिक किया इस बार कि हो जाए और हो गया, तो इसमें मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया था। हाउ कैन द बस पास थ्रू देर, अब यहाँ से बस कैसे जा सकती है? इधर से, अच्छा ये टकरा जाएगी आई थिंक, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? नहीं क्या, बस कैसे ऐसा करके निकल सकती है क्या? ऐसे भी तो निकल सकती है यार, ये कैसे करेंगे? आई थिंक सो भाई ये तो मुश्किल जाने वाला है। वैसे मेरे पास पॉइंट पड़े हुए, हम लोग एक हिंट ले सकते हैं, मे बी मेरे को लगता है हिंट लेना चाहिए। हाउ डू यू जूम एंड आउट ऑफ योर फोटोज़, ओके समझा, इसे जूम करना है क्या ऐसा? इसमें जूम कैसे करूँगा भाई मैं? भाई हिंट देने के बाद भी मेरे को अभी समझ रहा है ऐसे करना है, देखो ये हो गया, अभी ऐसे करके निकालना है। अरे हाँ एक और चीज़ भाइयों, आप में से ना बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक ओपिनियन रहेगा कि अज्जू भाई को इस लेवल पे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो ये वाला लेवल तो ईजिली कम्प्लीट हो जाता। और हाँ ओपिनियन से मेरे को याद आया, इंडिया का नंबर वन ओपिनियन ट्रेडिंग है प्रोबो का, जहाँ पर आप लोग लिटरली ओपिनियन येस और नो में देके ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। सिंपल सवालों पर अपने ओपिनियन देने होते हैं, जैसे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैच में कौन जीतेगा, लास्ट टाइम ये सवाल था और मैंने अपना ओपिनियन दिया इंडिया जीतेगा और मैंने ढेर सारे पैसे कमाए। और एक सवाल है, अज्जू भाई का ये वाला वीडियो 29 फरवरी तक 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट करेगा? और आप प्रोवो पे कोई भी चीज को लेके श्योर हो कि यही चीज होगी, जैसे इंडिया ही जीतेगा, तो बस क्वांटिटी बढ़ा दो और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वैसे प्रोवो एकदम ट्रस्टेड ऐप है, 2 करोड़ से ज्यादा यूजर हो चुके हैं। प्रोवो पे आप लोग अनलिमिटेड डिपॉजिट और अनलिमिटेड विड्रो भी कर सकते हो। विड्रो करना काफी आसान है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बैंक में, या फिर आप UPI से अकाउंट में भी ले सकते हो। तो प्रोवो डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और डाउनलोड करते ही आपको साइन अप
बोनस मिल जाएगा 25 रुपीज तक का। मैंने हिंट भी लिया फिर भी मेरे को नहीं समझ रहा था। ठीक है, हाउ मैनी एग्स देर, ओके इसमें कितने अंडे है ऐसा ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ अंडे है ना, आठ कितने हैं भाई, आठ ही है मे बी। अच्छा ये वहाँ पे कोई लड़का छिपा हुआ है, 4 और 3 7 7 ही है भाई। मैथमेटिक्स हमारा कमज़ोर है भाई, मतलब तुरंत ही समझ जाना चाहिए था, हमें ऑफर नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास 26,000 पॉइंट है भाई। 57 लेवल सीजर हैज टू विन, अभी ये कैची को विन करना है कुछ भी करके, तो वो कैची कैसे विन करेगी। आई थिंक ये इसके ऊपर डाल दिया, इसको इसके ऊपर, अब पत्थर को काट देगा। अच्छा ये पेपर को काट देंगे, ईजी था ना भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो मैंने पहले भी मतलब पजल वगैरह में किया हुआ है। स्टॉप द एलियन इन्वेंशन, ओके एलियन को कैसे बंद करेंगे, ये लो बंद ना हो गया भाई। इसमें क्या दिमाग लगाने वाला कोई चीज़ था ही नहीं। हेल्प मी अचीव विक्ट्री, हमको जीतने के लिए मतलब वो विक्ट्री के लिए हेल्प करो। अच्छा ये लो वी टो री, हो तो गया भाई। ये क्या लेवल है, इसमें क्या आईक्यू यूज़ करें हम लोग। चलो हेल्प दिस पोर मैन प्लीज, इसको हेल्प करना है क्या। अच्छा इसको सूसू लगी है, आउट ऑफ ऑर्डर, और लड़की के टॉयलेट में जाना पड़ेगा। अच्छा ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के का टॉयलेट है उसमें सभी लोग ऑलरेडी टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं और लड़की का टॉयलेट खाली है, तो हम लोग लड़के को लड़की के टॉयलेट में भेज देते हैं। अच्छा रियल लाइफ में इसमें नहीं जाएगा आई थिंक। ये वाला बैनर हटा सकते हैं क्या, नहीं भाई ये वाला बैनर भी नहीं हटा पा रहे। करे तो करे क्या, बचा रहे इस आदमी को हम हेल्प कैसे करें भाई, कुछ कर सकते हैं क्या तेरे साथ, नहीं ये लड़की के टॉयलेट में ही भेजना पड़ेगा भाई इसको तो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है हमें वापस हिंट लेना पड़ेगा। ओके भाई लड़के को हम लोग लड़की बना के भेज दे क्या फिर। अच्छा ये अलग अलग चेंज नहीं कर सकते क्या भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, स्क्रीन को वो करते हैं, थोड़ा शेक करते हैं, क्या पता उसके बाद हो जाए। नहीं फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा अब मैं करूँ क्या, एक काम कर सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, मॉडिफाई द वुमन सिंबल। अरे वो मैंने पहले ट्राई किया, मैंने जब ये पहले ट्राई किया तो नहीं हुआ था ना, पहले ट्राई किया तो तब नहीं हुआ था, मैंने यही चीज़ करी थी। हाउ कैन दिस बी करेक्ट। अच्छा 15x 15x 15, एक हाथ को हटा देते हैं क्योंकि प्लस करेंगे तो हो सकता है बट। अच्छा इसको हम रोटेट कर सकते हैं क्या थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा इसको नहीं, अरे अरे एक मिनट, अरे यार एक मिनट, ये लो प्लस कर दिया। अच्छा ये लो प्लस कर दिया, हो गया इजी भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वोटन एक्सप्लोजिव इक्वेशन, अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, वोट ओके ट्विस्ट इन द वीक वंस इन ईयर एंड नेवर इन मंथ, दो बार वीक में क्या आता है और साल में एक बार कौन सी चीज़ आती है और मंथ में कौन सी चीज़ एक भी बार नहीं आती है। और ऐसे सवाल मेरे दोस्त मेरे को जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था तब पूछते थे कि मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो वीक में एक बार मतलब दो बार आता है, मंथ में मतलब ये ईयर में एक बार आता है, मंथ में एक भी बार नहीं आता, वो है ई। मेरे को पता है, मैं थोड़ा इसमें तो माहिर हूँ भाई, ये मैंने बहुत पहले ही सोल्व करके रखा है। इसलिए रिमूव 6 टिक्स एंड मेक इट 10, मतलब 6 टिक को हटा के हमें 10 बनाना है। एक मिनट ये लो। अच्छा ओके मैंने ऐसे ही किया था, मैं कुछ भी कर रहा था, हमें 6 टिक हटा के 10 करना है। तो आई थिंक ये दोनों उड़ेगी एक साथ, हमारे पास कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए आई थिंक। इसमें 10 कैसे करें, 6 टिक हटा के, 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ क्या 10। ये देखो ये कितनी है, 5 है यहाँ पे, राइट ये 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमें यही 6 हटा देनी चाहिए। फिर हटा दिया, ये हो गया 10। नहीं यार ऐसे कैसे भाई, इसको हटा के ट्राई करते हैं। अच्छा रिमूव 6 स्टिक एंड मेक इट 10। ओके इसको मैं ये लेवल को रिफ्रेश कैसे करूँ भाई। चलो इसमें हमें ये हटाना है और फिर इसमें 10 के लिए क्या चाहिए, 10 लास्ट में ये आएगा ना आई थिंक, तो हाँ ये आता है ना, नहीं वो ये ना आता है, सॉरी दोस्तों वो क्या बोलूँ मैं, तो यहाँ पे ये हटाना है और यहाँ पे ये दो हटानी है। ये लो 10 बन गया, ये तो ईजी था भाई, ये तो काफ़ी ईजी था।
चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्प दिस फ्रोगी फ्लाई, इसको हमें हेल्प करना है। मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ भाई? अच्छा ये पानी वानी का कुछ तो इसका लिए करना पड़ेगा। वो करते हैं ना, शेक मारते स्क्रीन को। नहीं हुआ क्या? अब मैं क्या करूँ इसमें? एक रास्ता है, मेरे को नहीं समझ रहा है। हम लोग हिंट ले लेते हैं। कट इज ब्रीथ फॉर वाइल। ओके, इसका ब्रीथ कैसे कट करेंगे यार? इसका ब्रीथ कैसे रोके भाई? इसका ब्रीथ कैसे कट करूँगा भाई? इस तो हिंट लेने के बाद भी नहीं हो रहा अपन से। ये वाला लेवल अब तक का सबसे हार्ड लेवल है। ऐसे करके ट्राई करते हैं। हो गया। इसमें करना कुछ भी नहीं था, हमें इसका माउथ पकड़ के शेक करना था स्क्रीन को और हो जाता। चलो बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, वही बड़ी बात है। आवर केट इज स्टिल हंग्री। तो अभी तक केट भूखी है, उसको खाना देना है और ये उंदर नीचे ला रहा है। समझा क्या करना है? ये लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? देखो यहाँ पे एक तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो विस्फोटक आता है ना वो भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा ये लगा दिया यहाँ पे, ये लो। वो ये हुई ना बात। इजी भाई, इजी भाई। मेरा ना दिमाग है गेम में, ये वाली गेम में ऐसा है कि हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी समझता है वो कर दो बस ऐसा। आई वॉन्ट 9 कैंडीज प्लीज़। ओके, इसको बाहर निकालना है, नो कैंडीज को। अभी वो कैसे निकालेंगे भाई? ये ना थोड़ा लेवल आई थिंक ये शेक करते हैं स्क्रीन को, क्या पता उसके बाद हो जाए। नहीं अच्छा ये लो। अभी मैं बाहर कैसे निकालूँ? आई थिंक इसको वापस शेक करते हैं भाई। अरे ऐसे कैसे करेंगे? ये डब्बी को मैं ऐसे गिरा दूँ तो इसमें से गोली बाहर आएगी और बात बन सकती है, बट मैं डब्बी को देखो मैं कुछ भी करूँ गिरा ही नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक एक मिनट रुको, इससे हो सकता है क्या? नहीं इससे नहीं होएगा। इससे हो सकता है मे बी। हाँ एक मिनट। अच्छा तीन निकल गए, अभी वापस करते हैं। एक और बार डब्बी को हिलाते हैं ऐसे करके, अभी वापस से एक और बार करते हैं। एक और तीन गोली निकल गई, वापस एक बार घुमाते हैं, वापस करते हैं। ये लो 9 हो गया भाई। ये लेवल अब तक का सबसे वाहियात लेवल था, सबसे वाहियात लेवल। क्लिक देम। ओके एक मिनट, क्या लिखा है? क्लिक देम फ्रॉम लो टू हाई। अच्छा लो टू हाई हमें क्लिक करना है। तो लो टू हाई कौन सा है? सबसे लो कौन सा है? लो टू हाई, इसमें सबसे लो तो -5 ही है मे बी यार। -5 सबसे लो? नहीं नहीं नहीं, ये सबसे लो हुआ ना, -4, -5, -9 आई थिंक ये सबसे लो है। और फिर एक लो आता है, ये एक लो है, और उसके बाद -5 के बाद कोई लो है तो ये 66, उसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये। तो ये एक, ये रह गया 2, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। भाई ये हो नहीं रहा, आई थिंक हिंट लेना चाहिए इसमें। 5, 7, 8 इज द लोएस्ट लेवल। इट ऑल अबाउट एल्टी। डोंट टेल मी यू फॉरगेट टू बाई हिज बर्थ प्रेजेंट। ओके समझ गया भाई। मेरा वो लेवल के बाद ना ये लेवल में दिमाग क्या मैंने रीड किया, वो भी मेरा दिमाग वहीं पे घूम रहा है कि मैं डेवलपर को जाके 2 चाटे मार के आऊँ। डोंट टेल मी यू फॉरगेट टू बाई हिज बर्थडे प्रेजेंट। अच्छा हमको ये नहीं कहना है कि मैं बर्थडे प्रेजेंट लाना भूल गया। अभी मैं क्या करूँ ऐसा? हाँ मेरा सच्ची में माँ कसम दिमाग काम करना बंद कर चुका है। डोंट टेल मी यू फॉरगेट टू बाई हिज बर्थडे प्रेजेंट। मैं लाया हूँ क्या लाया हूँ मैं? ये रहा गिफ्ट। ओ भाई क्रेजी यार, इधर से उठा के इसको देना। ये ले भाई, खुश रहे यार। क्या तू भी भाई, मेरे को ना अब डेवलपर का दिमाग समझ गया। अब मेरे को पता है कि डेवलपर ब्रांडेड है और हमें उसके जैसे ही चीज़ करनी होगी। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो डेवलपर खुश होगा, तो डेवलपर क्या सोच सकता है वैसे ही हमें सोचना है। क्लिक द एनिमल फॉरम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अच्छा सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? बात ऐसी है कि स्मॉलेस्ट आई थिंक सो इसमें हो सकता है भाई। ये ना थोड़ा टेढ़ा राउंड है यार, ये ऐसे कर सकते हैं क्या? आई थिंक कर सकते हैं। नहीं ऐसे। ओके ये कर सकते हैं। ओ
क्या हुआ मेरे को भी नहीं पता, सोचो मत, इतना मत सोचो, जान दो जो हुआ वो हो गया, हमने लेवल कंप्लीट कर लिया, वही मैटर करता है बस। क्योंकि माँ कसम मेरे को उस लेवल में क्या हुआ भगवान जाने। हाउ कैन दिस इक्वेशन वर्क, 1000 + 50 8050, ये कैसे काम कर सकता है? आई थिंक ये काम कर सकता है, ओके सोचने दो मेरे को, अब ये काम कैसे करेगा? ये देखो, ये जो जीरो है ना, ये दो जीरो को लेके, मतलब समझो यहाँ पे एक जीरो आठ बनाया और एक जीरो लेके यहाँ पे रख दिया और फिर पाँच रख दिया यहाँ से और जीरो कर दिया, तो इस टाइप से इक्वेशन बन सकता है। हिंट लेते हैं भाई, दिमाग नहीं लगाएंगे। वॉट लेवल आर वी इन, दोज नंबर माइट हेल्प। अच्छा 70वें लेवल में हम हैं, दोज नंबर माइट हेल्प। अच्छा जी ओके, हाँ ये था, ये कड़क लेवल था, इसमें मैं मानता हूँ। लुक फॉर सॉल्यूशन एवरीवेयर। अच्छा हमें ना कहीं पे भी सॉल्यूशन के लिए ढूंढना है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपना थोड़ा सा ही दिमाग यूज़ करें, कहीं पे भी हम लोग जा सकते हैं। समझा, हेल्प मी मदर लाइन। अच्छा हेल्प द मदर लाइन, सॉरी मेरा भाई ये ना दिमाग ख़राब कर रहा है। हमें मदद करनी है शेर की माँ को, अब हम मदद कैसे करेंगे? क्योंकि शेर तो सोया हुआ है और शेर जब तक सोया हुआ है तब तक शेरनी को मारेगा नहीं, तो ऑलरेडी मदद तो हो रही है ना। अच्छा वो एक मिनट, पत्थर मारते ये ले। अबे उठ जा यार, शेरनी को हेल्प चाहिए। अच्छा ये वाला पत्थर लेके इधर डालते ऐसे। ओ अच्छा ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये शेर नहीं है, ऐसा करके शेर बन गया था हरामखोर भाई इसे। अच्छा डेवलपर मान गया मैं तेरे को, डेवलपर तू सच्ची में ब्रांडेड है। हाउ मेनी स्क्वेयर आर देयर, कितने स्क्वेयर है इसमें? एक मिनट देखने दो, कितने स्क्वेयर है भाई इसमें? अच्छा स्क्वेयर इसमें कितने है, इसमें ट्रायंगल ही ज़्यादा है, स्क्वेयर नहीं है सच बताऊँ तो। एक नहीं, अब दो करेंगे, नहीं अब तीन करेंगे। देखो इसको बोलते IQ, इतना नहीं सोचने का। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 पे क्लिक नहीं किया ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14। भाई अभी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसमें कितने स्क्वायर है? स्क्वायर है ही नहीं ना इसमें, जीरो है ना, जीरो करते हैं। हाँ मैं बोला ना बारी बारी सब लोग, हम लोग मतलब वो डिम 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 करके जाएंगे और हो जाएगा। प्लीज़ प्रेस द बटन 100 times, ये लो। ए दबाया ना भाई, बहुत बार दबा चुका हूँ मैं भाई, 100 times से ज़्यादा दब गया। अरे ये लेवल है क्या? इसमें तो मेहनत कराई, गधा मजदूरी कराई। द फिशरमैन इज हैविंग अ टेरेबल डे, हेल्प हिम कैच अ फिश। ओके इसको फिश पकड़ने में हेल्प करनी है ना। ये सफरजन किला ना, उसको एप्पल दे रहे। अच्छा कैसे कर सकते हैं हम लोग? आई थिंक शेक करते हैं स्क्रीन को, मछली को पास में लेके आते हैं, उसके बाद हो जाए। अच्छा अभी आई थिंक क्या कर सकते हैं, ऐसा कि जिससे फिशरमैन को फिश मिल जाए। स्क्रीन को रोटेट करके एक बार ट्राई करते हैं, पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं स्क्रीन को रोटेट करने से भी कुछ नहीं हो रहा। इसमें हिंट लेते हैं भाई, या सीधा कैसे कर सकते हैं? एक मिनट को कुछ सोचते, उसके बाद हिंट लेते हैं। हम लोग ना बहुत जल्दी हिंट ले लेते हैं क्योंकि हम लोग दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। और मेरा मानना भी भाई वही है कि जिसमें IQ है ना, वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। उसके पास ऑप्शन है जब हमारे पास हिंट लेने का, तो फिर हम लोग क्यों अपना दिमाग लगाए? सिंपल बात है, देयर इज माइट बीन। अच्छा ओ ओके, एप्पल में कुछ तो है, ये लो। अब समझा मैं ये गेम कैसे काम करती है। इसी बात पे भाइयों वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दो, क्योंकि ये है हमारा लेवल 75 जो कि आखिरी होने वाला है। इसके बाद हम लोग वीडियो बंद कर देंगे, मतलब बाद में खेलेंगे। तो हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये लेवल में ऐसा है कि लड़की ने अंडे जला दिए है और हमें उसे खुश करना है, मतलब चीयर अप करने के लिए मदद करनी। आई थिंक इसको एक गिफ्ट देते हैं। ए ले बहन गिफ्ट ले यार, तू भी क्या याद रखेगी? नहीं हो रहा है क्या? अच्छा ये वाले से हो जाएगा क्या? अच्छा इसमें ये पानी डाल सकते हैं क्या? पानी डालना इसमें बहन। अच्छा इधर से भी कुछ भी नहीं हो रहा। ये गैस बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्या? इसको मैं खुश कैसे करूं? ये खुश कैसे होगी? अच्छा प्लीज़, अच्छा टाइम चला, ये लो। मतलब हमें टाइम में पीछे जाना था,
टाइम ट्रैवल करना था, लेट्स गो, इजी पीसी। तो भाइयों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मतलब वही लाइक वाला ही है। तो हाँ 76 लेवल पे हम लोग आ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे 76 लेवल पे ही। तो अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने 100,000 कमेंट कर दिए, 100,000 नहीं चलो 50,000 कमेंट कर दिए और 200,000 लाइक कर दिए, तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। तो अभी आपके ऊपर है, बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।